बिग बॉस सीजन 14 सीनियर्स का लास्ट डे, वहां पर ब्रजर वाला टास्क अभी तक ये मुद्दा उठाया जा रहा है, ये मैटर, ये टास्क अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हालांकि वहां पर सिद्धार्थ की टीम को हरवा दिया गया, जबरदस्ती का सिद्धार्थ शुक्ला को फंसा दिया गया, मगर एक्चुअल में सिद्धार्थ शुक्ला देखा जाए तो विनर थे। भाई सीन ये हुआ था कि सिद्धार्थ की टीम सबसे ज्यादा स्ट्रांग थी, उसके अंदर पवित्र पुनिया, एजाज खान और साथ में निक्की तंबोली और साथ में शहजाद ड्योल, ये चारों कंटेस्टेंट थे, बाकी सब इनकी गौहर और हिना की अलग अलग टीम थी। हिना और गौहर की बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही थी सिद्धार्थ की टीम को फंसाने की। जी हाँ, ये बात आज वीकेंड के वार में निशांत ने खुलासा कर दिया, इस बात का खुलासा किया हुआ निशांत ने सलमान खान को बताया कि सर एक्चुअल में प्लानिंग ये थी कि यहाँ पर जो है वो हिना और गौहर की टीम जो है वो दोनों एक साथ में मिलके एक साथ में टास्क को खेल रही थी और ये प्लानिंग सबसे बड़ी थी सीनियर्स की, हमारे हिना गौहर इन दोनों की बड़ी प्लानिंग थी, ये दोनों एकजुट होकर मिल गई, इन दोनों में आपस में डिसाइड ये हुआ था कि हम दोनों में से एक दूसरे का ब्रजर कोई भी नहीं बजाएगा, हमें बजाना है सामने वाली टीम का। सामने वाली टीम कौन सी है? वो है सिद्धार्थ शुक्ला की, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला की टीम बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से हम दोनों टीमों को एक साथ एकजुट होकर मिलकर सिद्धार्थ की टीम का ब्रजर सबसे पहले बजाना होगा, जिससे कि सिद्धार्थ की टीम हार जाए। तो ये बात आज बाहर खुलकर सामने आई है जब निशांत सिंह मलकानी ने सलमान खान को साफ तौर से खुले खुले अल्फाज में ये वाली बात बता दी जो मैंने यहाँ पर आपसे शेयर कर दी है। तो कौन गलत हुआ यहाँ पर, सिद्धार्थ या फिर हिना गौहर? दूध का दूध पानी का पानी, सब कुछ खुलासे से सामने आ गया कि हिना और गौहर इन दोनों की सिद्धार्थ को फंसाने में कितनी बड़ी वाली प्लानिंग थी, जिसकी वजह से सिद्धार्थ बुरे बन गए लास्ट मोमेंट में, मगर फिर भी जो फैंस थे उन्होंने ढेर सारा उनको प्यार दिया। तो ये था वो सच छिपा हुआ जो मैंने यहाँ पर आपसे बाहर लाकर निकाल कर रख दिया। फिलहाल बने रहिए आने वाली अपडेट्स के लिए, अपडेट्स आती रहेंगी, आपसे शेयर करता रहूँगा। जिन्होंने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आपसे मिस ना हो सकें।